मेरे को तो आज तक ना ये समझ नहीं आया कि लव जिहाद का इतना बड़ा मुद्दा किस बात पे बना है। अगर दो लोग, किसी भी धर्म के दो लोग आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो उनका म्यूचुअल कंसर्न है, और अगर कोई किसी से जबरदस्ती कर रहा है, कोई किसी को फोर्सफुली कुछ कर रहा है, तो वो किसी भी धर्म में गलत है। तो उसको आप, उसके लिए आप कांग्रेस का स्टैंड तो हमेशा सही के साथ है। कांग्रेस ये बोलती है कि ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें सब धर्मों का सम्मान किया जाता है और हम सब लोगों को, जो लोग हैं उनका और उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जो महिला पहलवानों का मामला है पूरे देश में छाया हुआ, उस पर क्या कहना है? देखिए, मुझे, मैं ये जरूर बोलना चाहती हूँ कि आप सोचिए, इस देश की विडम्बना है कि जब हमारे देश की लड़कियाँ मेडल जीत के लाती हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक महिला को घर से निकल के जिस फील्ड में, पहलवान जैसे, कुश्ती जैसे फील्ड में जाने में जो मेडल लाती है, तो हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो अपने घर पे उनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटियां हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं और इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन करा। वहीं जब वो ये बोलती हैं कि यौन शोषण हुआ है हमारे साथ और वो यौन शोषण का आरोपी बीजेपी का एक सांसद है, उस फेडरेशन का अध्यक्ष है, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का गृह मंत्री चुप रहते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, आँख मूंद लेते हैं। वो जब वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बाद इस देश में अफेयर हो रही है यौन शोषण जैसे मामले में, ये समझने की बात है। अरे, पूरे देश को समझना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। यौन शोषण के मामले में फिर एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बाद होती है। 28 मई को जब वो लड़कियां, जब आप नई संसद का उद्घाटन करते हैं, शांतिपूर्वक मार्च निकालती हैं, तो आप उन पहलवान बेटियों के साथ पुलिस उनको मारती पीटती है, घसीटती है, उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है। हमारे देश में जो पीड़ित हैं उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है और जो इनके सरकार में सांसद है उसके खिलाफ आज तक अरेस्टिंग नहीं हुई है। तो ये सरकार, हमारा सवाल से, सरकार से ये सवाल है कि ऐसा क्या है, ब्रिजभूषण शरण ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए ऐसा क्या करा हुआ है कि ये सरकार उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से डर रही है? मोदी सरकार डर रही है इसलिए तो वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।